सरकार जो 1 फरवरी को बजट पेश करे उससे क्या उम्मीद है? सरकार जो बजट पेश कर रही है निश्चित तौर से एक अच्छा बजट पेश करेगी, और हमको जहाँ तक लगता है कि यह बजट मुख्यतः उस मध्यवर्गीय लोगों के लिए होना चाहिए जो सरकार को अपनी मेहनत से टैक्स भी देते हैं और उन्हीं की GST, उन्हीं के टैक्स, सड़कों का निर्माण और पूरे भारत की अर्थव्यवस्था चलती है। सरकार तो गरीबों के बारे में सोच रही है, सरकार कॉरपोरेट के बारे में सोच रही है। इस बारी बजट में हमको ये लगता है कि सरकार मध्यवर्गीयों के बारे में सोचे, जो छोटे दबे कुचले व्यापारी हैं, अपनी किस तरीके से जीविका चलाते हैं और सरकार के लिए भी टैक्स जुटा करके देते हैं। और निश्चित तौर से हमसे लगता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था चलाते हैं उस अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का सरकार काम करेगी। और निश्चित तौर से सरकार इस पारी बजट मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए और मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो नियमित अपने काम करते हैं, जिससे अपनी व्यवस्था को, सरकार की व्यवस्था को भी टैक्स के रूप में चलाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है परितोष कुमार, उनका मैं व्यापार मंडल का युवा अध्यक्ष हूँ और उनका क्लास हाउस का प्रोप्राइटर। 1 तारीख को सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार कैसा बजट? सरकार से हम लोग चाहते हैं जो भी उनको टैक्सेशन की जो भी प्रक्रिया है उसको ईजी की, जिससे व्यापारी बढ़ चढ़ के टैक्सेशन में अपनी भागीदारी, और जो भी स्लैब सरकार की तरफ से पहले है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा तो व्यापारियों को थोड़ा आराम मिलेगा। इधर करोना वोना की वजह से मार्केट में स्लम है उसको बढ़ावा है। पता चला है कि 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और हम व्यापारियों की तरफ से यही इच्छा है कि जितना इसको सिस्टम को आसान बनाया जाए बजट को, और टैक्स रिटर्न दाखिल करने को उतना ही अच्छा रहेगा, व्यापारी उतना आगे से पढ़कर आगे टैक्स को जमा करेंगे। और हम लोग चाहते हैं टैक्स स्लैब थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, उसमें रिलीफ दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के श्रेणी में आने लग जाएँ, इससे टैक्स कलेक्शन भी अच्छा होगा। और यही सारी उम्मीदें हैं, सरकार बेहतर टैक्स बजट पेश करें, इसके लिए हार्दिक अग्रिम बधाई हम लोगों की तरफ से सरकार को।